दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार के आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा, किन किन चीजों से आज आपको फायदा होगा, आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आज आपका भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, भाग्यशाली रंग क्या रहेगा, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, और साथ ही साथ आज आपके भाग्य का आपको कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, और साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सभी की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन। दोस्तों आज आप अपनी समझबूझ व बुद्धिमता के द्वारा अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना आपको विशेष सफलता प्रदान करेगा। घर में मित्रों या मेहमानों का आगमन होगा तथा सभी सदस्य आपसी मेलजोल का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कभी कभी आपका मन मौजी स्वभाव दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर में भी पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिससे किसी भारी व्यक्ति का भी हस्तक्षेप हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें आज का जो समय है मान व प्रतिष्ठा वर्धक है। आपको बता दें धर्म कर्म व आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आज आपकी रुचि रहेगी। व्यवसाय घर व दुनियादारी के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर आप रखेंगे। साथ ही साथ उधार दिए हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आज आपको वापस मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें भाइयों के साथ संबंध आप मधुर बनाकर रखें, क्योंकि किसी प्रकार की कहासुनी भी आज हो सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटककर व्यर्थ के कार्यों में लग रहा है, जिससे कोर्स पूरा करने में दिक्कत आएगी। साथ ही साथ कानूनी काम में भी आप ना उलझें। साथ ही साथ बता दें आज आप अपने व्यवहार तथा मृदु भाषिता द्वारा खराब संबंधों को भी सुधारने में सफल रहेंगे। आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए स्वाभाविक ही उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करेगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी आज हो सकता है, परंतु ध्यान रखिए कि कोई अपना ही नजदीकी मित्र धोखा या फिर ठगी भी आपके साथ आज कर सकता है। युवा वर्ग की अपने करियर के प्रति लापरवाही भविष्य के लिए नुकसानदायक रहेगी, इसलिए सावधानी रखना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ बता दें आज आप पिछले कुछ समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने में भी सफल रहेंगे, जिससे आप में आत्मसंतुष्टि का भाव भी आज रहेगा। राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में आज आपका विशेष योगदान रहेगा। एक खास मुकाम भी आज आपको हासिल होगा, जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। साथ ही साथ बता दें किसी नजदीकी मित्र की नकारात्मक गतिविधि से आपको आघात या फिर धक्का भी लग सकता है। गाड़ी या फिर मकान संबंधी कागजात आप बहुत संभाल कर रखें। कभी कभी किसी विशेष विषय को गहराई से जानने की इच्छा आपको अपने लक्ष्य से भी भटका सकती है, थोड़ा सावधान रहें। साथ साथ बता दें बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आज आपके ऊपर बना रहेगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुशी रहेगी। अपने उसूलों व सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करना आपको मजबूत बनाकर रखेगा। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो दोस्तों बता दें आज जीवन साथी के साथ कुछ खट्टी मीठी नोकझोंक हो सकती है। अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आने की भी आज संभावना है। साथ ही साथ बता दें अत्यधिक व्यस्तता के कारण
परिवार पर आज आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी का पूर्ण सहयोग पारिवारिक वातावरण को उचित बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में आज प्रगढ़ता आएगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज का बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय और करियर कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे। व्यवसायिक कार्य अभी लंबित रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस से संबंधित कोई भी नजदीकी यात्रा करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात तरक्की व जीत के लिए आज सहायक रहेगी। नौकरी में अपने टारगेट को पाने में आज आपको कामयाबी हासिल होगी। किसी के साथ साझेदारी करते समय नुकसान फायदे की स्थितियों पर आप अवश्य विचार विमर्श करें। साथ ही साथ बता दें किसी प्रकार की व्यवसायिक स्पर्धा में आज हार हो सकती है, परंतु इस तनाव को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा धैर्य पूर्वक अपने अन्य कार्यों के प्रति समर्पित रहें। अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन या फिर आज ट्रांसफर के भी योग हैं। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें आज मशीनरी व तेल संबंधी व्यवसाय भरपूर मुनाफा कमाने की स्थिति में है, इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखें, परंतु हर काम में पेपर संबंधी कार्यों को पूरी तरह व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है। किसी प्रकार की इंक्वायरी आदि भी आज बैठ सकती है, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें आज वाहन या फिर मशीन संबंधी उपकरणों का सावधानी पूर्वक आप प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की चोट या फिर एक्सीडेंट की संभावना आज बन रही है। साथ ही साथ बता दें गलत खान पान की वजह से गैस व पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए प्राकृतिक चीजों का आप अधिक से अधिक सेवन करें। प्राकृतिक चीजों को आप अधिक से अधिक सेवन में लाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें आज आपके लिए भाग्यशाली अंक रहने वाला है 7 और भाग्यशाली रंग रहने वाला है आसमानी। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, किन किन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें आज आप किसी धार्मिक स्थान पर अन्न धन या फिर वस्त्र अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान करें, विशेष लाभ होगा आपको। जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नौकरी या फिर रोजगार संबंधी कोई समस्या है, लाभ मिलेगा आपको, जरूर करें इस उपाय को। और साथ ही साथ बता दें आज आप किसी जरूरतमंद को आसमानी रंग के कोई भी वस्त्र या फिर आसमानी रंग का रुमाल ही क्यों ना हो, किसी को दे देते हैं आज, मतलब आसमानी रंग का कोई भी वस्त्र आप दे देते हैं, तो दोस्तों समझ लेना आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ आप क्या करें, आप चांदी की अंगूठी कनिष्ठिका अंगुली में धारण करते हैं तो दोस्तों नौकरी और बिजनेस के लिए शुभ रहेगा और जीवन से जो परेशानियां हैं उनसे भी धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। जहां दोस्तों इन उपायों में से कोई भी उपाय कर ले आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपको आपके भाग्य का कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें आज आपका भाग्य मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भाग्य का पूरे 93% साथ मिलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।